हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर मोरी डिजाइन बनाना सिखाएंगी। तो इतना हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। दोनों तरफ से मैंने सीधी सिलाई लगाई है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। तो चलिए डिजाइन बनाते हैं। तो इसके लिए पहले निशान लगा लेंगे। तो निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगा देंगे, ठीक है। पूरे में कुछ इस तरह से हमें 3-3 इंच पर निशान लगा देना है। और इसी के सामने हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछे में सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से सिलाई को लगाती हूँ। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो हमने यहाँ पर एक तरफ से सिलाई को लगा दिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है, और बीच में लहर बनाएंगे। तो इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लहर बना देंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह से पत्ती टाइप की सिलाई लगाएंगे। और दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से डिजाइन बनानी है। और यहाँ पर लहर बना देंगे। फिर इस तरह से हमें घुमाकर सिलाई लगानी है, ठीक है, दोनों तरफ से। और यहाँ पर कुछ इस तरह से डिजाइन बना देंगे। और यहाँ पर फिर से इस तरह से लहर बना देंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे में डिजाइन को बना लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिजाइन को बना लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे, ठीक है, और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमारी डिजाइन बनी है, तो इसमें भी हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से सिलाई को लगाती हूँ। तो इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई को लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर हम 2 सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारी जो मोरी डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।